न्यूज चैनल अकोला में मैं पूनम चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज के घटनाक्रम पे। MNC न्यूज चैनल अकोला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त हम जिला अधिकारी कार्यालय अकोला के सामने खड़े हैं और यहाँ पर आदिवासी लोगों का जो है बड़े पैमाने पर धरना आमरण उपोषण का प्रोग्राम चल रहा है और ये दो उपोषण अलग अलग होने के बावजूद एक ही मंडप में सामूहिक उपोषण का कार्यक्रम इन्होंने बनाया है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये दो अलग अलग उपोषण पे जो बैठे हैं यहाँ पर, तो इनकी क्या डिमांड है, प्रशासन से क्या शर्तें हैं, इन्हीं की जबानी हम सुनते हैं कि ये किस तरीके का समस्या का निवारण चाहते हैं। ये जो आप लोगों का यहाँ पर आमरण उपोषण का जो प्रोग्राम है, और देखने में आ रहा है कि दो उपोषण करता एक ही पिंडोल में बैठे हैं, तो इन आप लोगों की क्या समस्या और आप किस तरीके का निवारण चाहते हैं? पहली बात तो ये भाग्य लक्ष्मी संस्था के लोग बैठे हैं जी। इसका जो अध्यक्ष है लक्ष्मण नपते, इसको 32 साल हो गए तब से हटाया गया नहीं है। उसने कोई निवडणूक प्रक्रिया अवलंबी नहीं है, कोई सभा नहीं हुई उसकी, कोई बैठक नहीं हुई है। ये गलत चीज़ है और इसके वजह से उसको हटाना चाहिए। वो मनमानी प्रकार से कारोबार करता है। इन लोगों को मासेमारी की परमिशन नहीं मिल रही है। बाहर गांव के लोग आकर मासे पकड़ रहे हैं। इन लोगों को रोजगार नहीं है, इसके लिए ये लोग उपोषण के लिए बैठे हैं। इनका जो अधिकार है रजिस्टर देखना, बैंक बैलेंस देखना, अनुदान लेना, इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसके वजह से इन लोग उपोषण को बैठे हैं। श्री मुंगसाजी महाराज झींगा व्यवसाय की फाइल डाली है 1 साल से, 26/12/2016 से, तब से ये फाइल रजिस्टर नहीं हुई है। सरकारी नियम का कायदा है 2 महीने में फाइल रजिस्टर होना चाहिए, उसका कोई उन्होंने पत्र व्यवहार दिया नहीं है, फाइल दबा के रखी है, इसीलिए उसको नियम से रजिस्टर कर दो। ये आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार से एक ये उपोषण का जो है एक ही पिंडोल में एक बैनर लगा हुआ है, और दूसरा मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि दूसरा जो उपोषण का बैनर है वो भी वो आपको बताएं। ये दूसरा उपोषण का आप बैनर देख रहे हैं और संयुक्त उपोषण जो चल रहा है, ये मिला जुला उपोषण जो है, ये जो लोग हैं, ये कैमरामैन जो आपको बता रहे हैं, ये देखिए इतने सारे जो लोग हैं ये अपनी समस्या के निवारण के लिए यहाँ पर उपोषण पे बैठे हैं और अपने जो समस्या है उसका निवारण चाहते हैं। तो ये थी एक इस आमरण अनशन की पूरी रिपोर्ट।